जीनियस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे भंडारण, जिसे भंडार ग्रह भी कहा जाता है, उसका अर्थ और उसके कार्य कि भंडार ग्रह क्यों बनाए जाते हैं, लोगों को इनकी क्यों आवश्यकता होती है और किस तरीके से भंडार ग्रह बनाने के बाद लोगों को इनसे फायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। यहाँ लिखा है विशेष प्रकार से निर्मित। अब यहाँ पे निर्मित में मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, तो हम सही कर लेते हैं। निर्मित को हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो विशेष प्रकार से निर्मित भवनों में माल को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखना ही भंडारण है। भंडारण विक्रय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें वस्तु को उसकी मौलिक स्थिति में बनाए रखा जाता है और यह कच्चे तथा निर्मित दोनों प्रकार के माल के लिए होता है। क्या है? एक विशेष प्रकार से निर्मित, विशेष प्रकार से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल रखा जा रहा है, उत्पादित वस्तुओं को रखा जा रहा है, तो उसे सुरक्षा के हिसाब से रखा जा रहा है ना, तो वो सुरक्षित रहे इसलिए उसे विशेष प्रकार से बनाना, जिनसे उसे धूप नमी है ना इन सब बातों से बचाया जा सके, कीड़े मकोड़े या फिर चूहे वगैरह ये होते तो इन सबसे दूर रखा जाए, इसलिए उसे विशेष प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो विशेष प्रकार से बना भवन जिसमें वस्तु को सुरक्षा की दृष्टि से या उसकी गुणवत्ता को यथावत रखने के लिए आज बनाते समय जैसी है कल भी वैसी ही दिखे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम जिस भवन का उपयोग करते हैं उसे भंडारगृह कहते हैं। ठीक है, यह बिक्री के उद्देश्य से, मतलब जब जब बाजार में मांग ऊँची होती है या हमें उसका दाम अधिक मिलता है तो उस उद्देश्य से भी बनाया जाता है और एक कच्चे और निर्मित दोनों प्रकार के माल का बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके कार्य देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। फर्स्ट लिखा है संचयन। संचयन का मतलब होता है वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना। तो भंडार गृह के पास विभिन्न उत्पादकों से माल एवं वस्तुएं आती है जिनका ये संचय करते हैं तथा वहां से उन सभी को सीधे निश्चित ग्राहक को भेज देते हैं। बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर एक भंडार गृह बना है, इसमें ए बी सी तीन व्यक्तियों के क्या रखे हैं, माल रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भंडार गृह का व्यक्ति क्या करेगा, ए के एजेंट को, बी के एजेंट को और सी के एजेंट को, या इनके जो कस्टमर होते हैं उनको भेज देगा माल उनके ऑर्डर से। ठीक है, दूसरा देखो भारी मात्रा का विघटन। भारी मात्रा का विघटन इसका क्या मीनिंग है? उत्पादन संयंत्रों से भारी मात्रा में माल प्राप्त होता है, मतलब मशीनों से हम बड़े पैमाने पर वस्तु को बना लेते हैं, तो भंडार गृहों में इनका छोटी छोटी मात्राओं में विघटन कर दिया जाता है। इस प्रकार से छोटी मात्रा में वस्तुओं ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उनको भेज दी जाती है। भारी मात्रा का विघटन में बोल रहा है कि संयंत्रों के माध्यम से क्या होता है, वस्तुओं को बड़े पैमाने पर तो बना लिया जाता है, अब उन वस्तुओं को बाजार में कैसे भेजे, तो छोटी छोटी मात्रा में क्या करते हैं, वस्तुओं को बाजार में बेचने का काम करते हैं। केवल इकट्ठा करने का काम नहीं, मांग के अनुसार उनकी पूर्ति कराने का काम भी करते हैं। ठीक है, अगला है संग्रहित स्टॉक। कुछ चुनिंदा व्यवसाय में मौसम के अनुसार माल प्राप्त होता है जिसका संग्रहण भंडार गृह में किया जाता है। जैसे अब गेहूं आते हैं, ठीक है, 12 महीने तो नहीं आते, उनका भी एक मौसम होता है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो ये सब जो आते हैं तो समय समय पर ही मौसम के अनुसार इन्हें भंडार गृह में रखा जाता है। तो कुछ चुनिंदा व्यवसायों में मौसम के अनुसार माल प्राप्त होता है जिसका संग्रहण भी भंडार गृह में किया जाता है। जिन वस्तुओं अथवा कच्चे माल की बिक्री अथवा विनिर्माण के लिए तुरंत आवश्यकता नहीं होती उन्हें भी भंडार गृह में संग्रहित करके रख लिया जाता है। संग्रहित स्टॉक में बता रहा है कि हर प्रकार की वस्तु, चाहे वो मौसम के अनुरूप बनी हो, चाहे वह अल्पकालीन हो, चाहे वह नाशवान प्रकृति की हो, चाहे दीर्घकाल तक वह वस्तु चले, उन सभी प्रकार की वस्तुओं को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें व्यवसायियों को उनके ग्राहकों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे कृषि उत्पाद जिनकी फसल एक समय विशेष के दौरान उगाई जाती है लेकिन उनका उपभोग पूरे वर्ष होते हैं, उनको भी संचित करना होता है तथा उन्हें फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोदाम से निकाला जाता है। बिल्कुल, किसान लोग 100-150 बोरी आ जाती है गेहूं की, तो सारी की सारी तो नहीं बिकती है, और ये तो अनाज, ये तो हमारी जीवन रक्षक वस्तु है, तो इसकी मांग तो ये हर मौसम में उत्पन्न नहीं होता है, इसका एक मौसम है, लेकिन इसकी मांग हर मौसम में की जाती है, हर दिन इसकी मांग की जाती है। तो संग्रहित स्टॉक समझ में आ गया। अगला देखो,
अगले लास्ट के क्या बचे हैं इसमें, तीन, जिसमें एक दिया है मूल्य संवर्धन या मूल्य वर्धन सेवाएं। भंडार गृह कुछ मूल्य वर्धन सेवाएं जैसे हस्तांतरण के पूर्व मिश्रण, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि प्रदान करते हैं। बिल्कुल, भंडार गृह में अपन कोई वस्तु रखे तो ये अपनी वस्तु को पैकिंग भी करेंगे। पैकिंग मतलब होता है वस्तु को धूप, नमी आदि बातों से बचाने के लिए उस पर चढ़ाया जाने वाला आवरण, चाहे वो प्लास्टिक का हो, कागज का हो या किसी भी बात का हो, वो पैकिंग कहलाता है। और लेबलिंग मतलब होता है कि वस्तु की जानकारी देने के लिए उस पर लगाई जाने वाली कागज की पर्ची, जिसे हम चिट भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेबलिंग। तो बहुत से भंडार गृह क्या करते हैं, पैकिंग का, लेबलिंग का कार्य भी करते हैं। संभावित ग्राहक जब वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं तो वस्तुओं के पैकिंग को खोलकर उन्हीं उनकी पुनः पैकेजिंग एवं लेबलिंग की जाती है। यह सुविधा भी भंडार गृह देते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं को छोटे भागों में विभक्त कर उन्हें श्रेणीकर की सुविधा भी प्रदान करते हैं। मतलब अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर देना, रंग, रूप, आकार सभी को देखते हुए। ठीक है, अगला है मूल्यों में स्थिरता। जब मूल्यों में स्थिरता आ जाती है कि 10 रुपए की वस्तु 5 रुपए में लोग खरीद रहे, तो ऐसी कंडीशन में 5 रुपए का नुकसान तो ना उठाएंगे, अपन रुकेंगे। तो ऐसी कंडीशन में माल को कहाँ रखे, तो भंडार गृह होता है। तो आया समझ में कि मांग के अनुसार आपूर्ति का समायोजन कर भंडार गृहों में मूल्यों में स्थिरता लाता है। जब मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि होती है अथवा इसकी उलट स्थिति में भंडार गृह मूल्यों में स्थिरता लाता है। कुल मिला के मांग और पूर्ति के आधार पर भी भंडार गृह काम में आता है। जब वस्तु की मांग अधिक होती है, ठीक है, तो हम उसकी पूर्ति कर देंगे। जब वस्तु की मांग कम होती है तो हम उसकी पूर्ति नहीं करते। और जब उसकी कीमत कम ज़्यादा होती है तो उस पर भी भंडार गृह हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं वस्तु की पूर्ति कराने में। एंड लास्ट है वित्तीयन। भंडार गृहों के स्वामी वस्तुओं की जमानत पर माल के स्वामियों को अग्रिम धन भी प्रदान करते हैं। जैसे बैंक ऋण देते ना, उसी प्रकार से भंडार गृह में अगर मेरा 50,000 का 1,00,000 का माल पड़ा है तो भंडार गृह का स्वामी मुझे मेरे धन की जमानत पर पैसा अर्थात धन भी दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जाने भंडार गृह के कार्य कि कैसे भंडार गृह कार्य करते हैं, हमारे धन की सुरक्षा करते हैं, हमारे धन को, हमारा जो वो माल होता है उसको धूप नमी से बचाता है, मांग के अनुसार बाजार में पूर्ति करवाता है, ठीक है, और हमारे ग्राहकों को माल भी पहुंचाता है, श्रेणी कर करके रखता है, अलग अलग रंग रूप आकार के आधार पर बांट के रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।